ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଜିତ ପାୱାର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ଛାଡ଼ି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉମେଶ ବୈଶ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏନ୍ସିପିର 29 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଜିତ ପାୱାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ପ୍ରାୟ 29 ଜଣ ବିଧାୟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ସତକୁ ସତ ଅଜିତ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। देखिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस देश का भविष्य जो है वो मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं, आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। तेबे वर्तमान केवल अजित पवार उप मुख्यमंत्री होई नांती, वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल मध्य शपथ नेछंती। आगुकु मध्य अजित को सह 9 जन मंत्री शपथ नेबे। रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।